अपने वीडियो के माध्यम से स्ट्रक्चर्स रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है, वो मैं आज डाउट क्लियर करने वाला हूँ। स्टटरिंग, सेंटरिंग, स्टेजिंग के बारे में बताने वाला हूँ। स्टटरिंग क्या, बहुत लोगों को नहीं पता होता कि स्टटरिंग किसको बोलते हैं। बहुत लोगों से पूछेंगे स्टटरिंग किसे बोलते हैं, तो वो MS प्लेट को बोलेंगे, प्लाई को बोलेंगे, जबकि वो बिल्कुल नहीं है। सेंटरिंग बोलेंगे, सेंटरिंग क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बीम को जो सेंटर करता है वो सेंटरिंग है। और स्टेजिंग, ये तीनों के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं बताता हूँ फॉर्मवर्क क्या है। फॉर्मवर्क एक टेम्प्रोरी मोल्ड होता है जो हम कॉन्क्रीटिंग करते हैं, उसके बाद जो शटरिंग डिशटरिंग करने के बाद वो शेप आकार आता है, शेप, वो उसे हम फॉर्मवर्क बोलते हैं। जैसे बोतल है, बोतल हमने क्या पानी डाला, वो क्या सेम शेप बन गया, वो क्या है फॉर्मवर्क है। फॉर्मवर्क के तीन टाइप्स होते हैं, शटरिंग, सेंटरिंग और स्टेजिंग। फॉर्मवर्क के हमारे तीन पार्ट्स होते हैं। पहला क्या है, शटरिंग। दूसरा क्या होता है हमारा, सेंटरिंग। और तीसरा है हमारा स्टेजिंग। अब शटरिंग इसको बोलते हैं। शटरिंग जो भी हमारा वर्टिकल मेंबर होता है, स्लैब का, बीम का, जो भी होता है, वो हम उसको शटरिंग बोलते हैं। जैसे जो भी हमारा वर्टिकल मेंबर होगा वो सारे क्या है, ये शटरिंग है, इसे हम शटरिंग बोलते हैं। दूसरा क्या है, सेंटरिंग। सेंटरिंग जो भी हमारे वर्टिकल मेंबर को जो सपोर्ट करता है उसे हम सेंटरिंग बोलते हैं। जैसे ये स्लैब का हमारा बॉटम है, ये सारा क्या है हमारा, सेंटरिंग बोलते हैं इसको। तीसरा क्या है, स्टेजिंग आते हैं। स्टेजिंग किसे बोलते हैं, जो भी हमारा वर्टिकल मेंबर और हॉरिजेंटल मेंबर, इन दोनों को जो स्टेबल करता है वो क्या है, स्टेजिंग है। जो भी हम क्रिप से, इसका फोल्डिंग से, जो भी है इसका सपोर्ट करते हैं, जो इसको स्लैब को स्टेबल कर सके, उसे हम क्या, स्टेजिंग बोलते हैं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से, ये जो पहले वीडियो आई है बहुत सारे लोगों की, या फिर आज मेरी है, या इसके बाद आने वाली है, सिविल से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सारे पे वो वीडियो आएगी। आप देखो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स।